अगर आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए। हमारे चैनल पर जाने के बाद चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ऊपर आपको प्लेलिस्ट लिखा नजर आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे और सबसे जो ऊपर वाला प्लेलिस्ट है इंग्लिश प्रैक्टिस क्लासेस, आप उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सारे वीडियोज आ जाएंगे और इन सारे वीडियोज़ को आप ऊपर से शुरू करना देखना और एक एक करके देखना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसा तरकीब बताऊंगा जिसे जानकर आप, जिसे समझकर आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको स्ट्रक्चर याद नहीं रह पाता है। स्ट्रक्चर मीन्स फॉर्मुलेशन, जो सेंटेंस बनाने के रूल्स होते हैं वो याद नहीं रह पाते हैं जल्दी से, या उसका प्रेजेंट क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, पास्ट क्या होगा, ये इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको एक ऐसा तरकीब बताऊंगा जिसकी वजह से आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सारे के सारे आप एक झटके में आप याद रख पाएंगे और उसको बोलना शुरू कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, ये मैंने टेबल लिखा हुआ है, इस टेबल को आप अच्छी तरह से ध्यान से देख लो। प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है। आप ध्यान से देखना, वीडियो को पूरा देखा करो, आप थोड़ी सी एक मिनट या डेढ़ मिनट देखकर बाहर मत निकल जाया करो अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो तो। ये प्रेजेंट वाले लाइन है, ये पास्ट वाली लाइन और ये फ्यूचर वाली पंक्तियां हैं। तो आपको दरअसल आपको प्रैक्टिस करना कैसे है, आपको इस तरह का एक टेबल बना लेना है। ये मैंने सिर्फ बेसिक के लिए एक टेबल बनाया है, ये बेसिक टेबल है, ये टेंस नहीं है, इसमें टेंस का कोई भी सेंटेंस नहीं है। बेसिक जो मैंने आपको पढ़ाया था वो बेसिक का सारे सेंटेंसेस है। फॉर्मुलेशन आपने पढ़ लिया, ओके, फॉर्मुलेशन याद हो गया। इस तरह से आप टेबल बना लो और इसकी प्रैक्टिस करो। जैसे प्रेजेंट में मैं एक गायक हूँ, पास्ट में मैं एक गायक था, फ्यूचर में मैं एक गायक बनूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको अभ्यास करने से क्या होगा कि आपको सेंटेंस का फॉर्मुलेशन साथ साथ याद होता जाएगा कि प्रेजेंट में क्या बोलते हैं और उसी सेंटेंस को पास्ट में क्या बोलते हैं और उसी सेंटेंस को फ्यूचर में कैसे बोलते हैं, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मैं एक गायक हूँ, ही नहीं, वह एक गायक है, वह एक गायक है, ही इज अ सिंगर, वह एक गायक था, ही वॉज अ सिंगर। अब आपको इससे ये पता चलता है कि जो भी सेंटेंस इजारम से बनता है उसका जो पास्ट होता है उसमें वाज वर लगता है। ओके फ्रेंड्स, ये आपको पता चल गया। उसके बाद इसका फ्यूचर है, तो जितने भी फ्यूचर सेंटेंस होते हैं, चाहे प्रेजेंट और पास्ट में कुछ भी हो, लेकिन फ्यूचर में उस सेंटेंस को फ्यूचर बनाने के लिए शैल और विल का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो इसी सेंटेंस को हम अगर फ्यूचर बनाएंगे तो विल बी, कि वह एक गायक बनेगा, ही विल बी अ सिंगर। अभी दूसरा फॉर्मेशन है, ये ज़रूरत वाली है। जैसे ज़रूरत, आपको पता चल गया कि जितनी भी ज़रूरत वाले सेंटेंसेस हैं उसमें हम नीड लगाकर बनाते हैं। जैसे मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, उसे पैसों की ज़रूरत है, मुझे दूध पीने की ज़रूरत है, तुम्हें जाने की ज़रूरत है, उन लोगों को बाइक की ज़रूरत है, इस तरह से ज़रूरत आ गया। तो अब आई नीड मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है। अब इसका पास्ट बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करते वक्त ये ध्यान रखना है कि आई नीड मनी हुआ तो उसका पास्ट आई नीडेड मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, उसका पास्ट आई नीड मनी, आई मतलब आई शैल नीड मनी, आई शैल का शॉर्ट फॉर्म होता है आई, तो आई नीड मनी। ओके, इसी तरह से आप हैज है यानी कि पास वाला, जैसे कि उसके पास बंदूक है, मेरे पास पैसे हैं, तुम्हारे पास खिलौने हैं, उसको हिम्मत है, इस तरह से जब सेंटेंसेस पास वाले हो तो उसको प्रेजेंट में हम हैव और हैज लगाकर बनाते हैं। उनके पास यानी उन लोगों के पास बंदूक है, दे हैव गन। अब इसी का पास्ट दे हैड गन, यानी कि उनके पास बंदूकें थी। तो ये समझ में आ गया कि हैज हैव वाला पास्ट जब बनाते हैं तो उसमें हैड लगा देते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये याद रखना है आपको। उसके बाद फ्यूचर बनाना है तो हैज हैव, तो हैव तो रहेगा ही, उसमें विल और शैल लग जाता है, दे विल हैव गन, उन लोगों के पास बंदूकें होंगी। अभी यहाँ पर आई हैव टू गो, मतलब आपने एक बार फॉर्मुलेशन पढ़ लिया, स्ट्रक्चर समझ लिया सेंटेंस का कि इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो उसमें हैव टू हैज टू लगाते हैं। किस तरह के, जाना है, खाना है, पीना है, सोना है, या जाना पड़ता है, सोना पड़ता है, पीना पड़ता है, इस तरह के सेंटेंसेस हो तो उसमें हम हैव टू लगाते हैं। तो आई हैव टू गो, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है। ओके, अब इसको पास्ट में बनाना हो तो आई हैव टू गो, मुझे जाना था या मुझे जाना पड़ा, ये पास्ट हो गया। अगर इसका फ्यूचर बनाना हो तो आई हैव टू गो।
फ्यूचर में कुछ नहीं करना होता है, जो भी आपका प्रेजेंट का होता है उसमें शैल और विल लगाकर बना देना होता है बस। ओके फ्रेंड्स, अभी आगे है ही इज टू ईट। ही इज टू ईट का मतलब क्या होता है? वो खाने को है, मतलब वो खाने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जब भी सेंटेंस में वाला है, वाली है, वाले हैं, या खाने को है, जाने को है, रोने को है, हंसने को है, इस तरह का सेंटेंसेस हो तो उसमें इज आर एम के बाद टू लगाकर वर्ब लिख दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो ही इज टू ईट, वह खाने को है। अब इसका पास्ट होगा तो आपको पता चल गया कि इज आर एम वाले को पास्ट में हम वाज वर्ब लगाकर बनाते हैं। ही वॉज टू ईट, वो खाने को था, वो खाने को होगा। ही विल बी टू ईट, बस विल लग गया। ओके, अभी दे कैन रन, वे लोग दौड़ सकते हैं, सकता है, सकती है, सकते हैं जब रहे तो उसमें हम कैन लगाकर बनाते हैं, ये आप जानते ही हैं। तो ये जान लेना ज़रूरी है कि दे कैन रन मतलब वे लोग दौड़ सकते हैं। अब इसका पास्ट क्या होगा? दे कुड रन, वे लोग दौड़ सके। दे कुड रन, ये फ्यूचर में भी हम बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, वे लोग दौड़ सकेंगे, हम फ्यूचर में भी कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दे कैन रन, वे लोग दौड़ सकते हैं। दे कुड रन, वे लोग दौड़ सके। दे कुड रन, वे लोग दौड़ सकेंगे। आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए, जब भी चाहिए मुझे जाना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए, उन लोगों को खेलना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, इस तरह का हो सजेशन वाली बात तो उसमें शुड या मस्ट लगाकर बनाते हैं। आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए था, आई शुड हैव गोन। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप टेबल बनाकर इस तरह का प्रैक्टिस कीजिए आप प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके फ्रेंड्स, ही इज अ सिंगर, ही वॉज अ सिंगर, ही विल बी अ सिंगर। आई नीड मनी, आई नीडेड मनी, आई नीड मनी। दे हैव गन, दे हैड गन, दे विल हैव गन। आई हैव टू गो, आई हैड टू गो, आई हैव टू गो। ही इज टू ईट, ही वॉज टू ईट, ही विल बी टू ईट। दे कैन रन, दे कुड रन, दे कुड रन। आई शुड गो, आई शुड हैव गॉन। ओके फ्रेंड्स, दिस इज वेरी गुड वे फॉर लर्निंग इंग्लिश। अगर आपको स्ट्रक्चर याद नहीं रहते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा वे है। आप इस वे से एक टेबल बनाकर रोज प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी आप फॉर्मुलेशन आपको याद हो चुका है या आप पढ़ चुके हैं, उसको आप एक टेबल, इसके एक पन्ने पर लिख लीजिए, इस तरह का टेबल बना लीजिए और आप प्रैक्टिस कीजिए। ओके फ्रेंड्स, इससे क्या होगा कि आप कभी भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कन्फ्यूज नहीं होंगे। ओके फ्रेंड्स, और बोलते वक्त आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद। अगर आपको इंग्लिश में लिखना पढ़ना नहीं आता है और आप लिखना पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाइए। चैनल के प्लेलिस्ट पर ऊपर प्लेलिस्ट लिखा हुआ होगा, उस पर क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे और ऊपर से जो तीसरे नंबर पर है, जहां पर लिखा है इंग्लिश में लिखना पढ़ना सीखे, उस प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए। सारे वीडियोज आ जाएंगे, यहाँ पर 7 वीडियो हैं। इन 7 वीडियोज़ को देखने के बाद आपको इंग्लिश में लिखना पढ़ना ज़रूर आ जाएगा।